हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके बच्चों के लिए कुछ इस तरह की गेम लेकर आई हूं, जिससे गेम के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट नंबर एम आई, इसमें बताना होगा बच्चे को कि मैं कौन सा नंबर हूँ जो आगे हम गेम में यूज करेंगे। तो उससे पहले हम बच्चों को इस तरह से शेप्स बताएंगे, ये कौन सी शेप है, ट्रायंगल की, ये है रेक्टेंगल की, एंड ये है सर्कल की। इनमें मैंने 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स डाल दिए हैं, जो आपके बच्चे को आइडेंटिफाई करने होंगे कि वो किस शेप में आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वी आर ओनली इनसाइड द रेक्टेंगल। अब इसमें से बच्चे को वो बताना है जो नंबर सिर्फ रेक्टेंगल के बीच में है। वी आर ओनली इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बीच में है 5 और 6। उसके बाद है वी आर ओनली इनसाइड द ट्रायंगल। हम जो नंबर है वो किसके अंदर है, ट्रायंगल के अंदर। अब ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से नंबर है, एक तो 7 और एक 2, क्योंकि 8 तो रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, 7 एंड 2। हम यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद है आई एम इनसाइड द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर कौन सा नंबर है, 5 भी है 6 भी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आई, बच्चा इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है या 6 भी लिख सकता है। क्यों, क्योंकि उसने एक सिंगल नंबर पूछा, आई एम। अगर जैसे यहाँ पर वी आर पूछा था तो वी में हम बोथ नंबर लिख सकते हैं, और आई में हम सिंगल नंबर लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आई एम इनसाइड द ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल के अंदर हूँ। ट्रायंगल के अंदर कौन सा नंबर है, कोई भी लिख सकता है बच्चा, 7 भी लिख सकता है 2 भी लिख सकता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ट्रायंगल के अंदर है। उसके आई एम नॉट इन द सर्कल, मैं सर्कल के अंदर नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द सर्कल। अब सर्कल के अंदर ये 4 नंबर्स आ रहे हैं, सर्कल के अंदर ये 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें से बच्चा कोई भी लिख सकता है, आपको कोई भी बता सकता है, 5 7 8 6 2 कुछ भी बच्चा, इनमें से कोई भी लिख सकता है। आई एम इन ऑल द फिगर्स द रेक्टेंगल द सर्कल एंड द ट्राइंगल, मैं जो नंबर हूँ मैं सब फिगर्स में हूँ, मैं रेक्टेंगल में भी हूँ, मैं सर्कल में भी हूँ, और मैं ट्रायंगल में हूँ। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, और ये रेक्टेंगल है, तो कौन सा नंबर हुआ, 4। इसे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी, लॉजिक्स लगाएगा वो। आई एम इनसाइड द सर्कल, आई एम इनसाइड द सर्कल, मैं कहाँ पर हूँ, सर्कल के अंदर हूँ, सिर्फ सर्कल में, तो सर्कल में कौन सा नंबर है, 10। आई एम इनसाइड द ट्रायंगल, मैं किसके अंदर हूँ, ट्रायंगल के अंदर हूँ। अब ट्रायंगल के अंदर कौन सा है, 7 भी है और 2 भी है, ये रिपीट हो गया है, ये हमने रिपीट किया है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, 7 2, बच्चा इसमें से कुछ भी लिख सकता है, 2 भी 7 भी। उसके बाद है आई एम नॉट इन द रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल के अंदर नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर जो भी नंबर नहीं है, 10 3 2 7, इस तरह से ये 4 नंबर जो है रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, तो बच्चा आपको कोई भी बता सकता है, हम इसमें 7 2 10 और 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये थी एक गेम। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ इस तरह से एड और सब्ट्रैक्ट टू गेट 10। सेकेंड गेम इस तरह से है कि इन नंबर्स को मैंने यहाँ पर एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शन के हैं, इनमें से हमें इस तरह से एड या सब्ट्रैक्ट करना है कि उनका आंसर जो है क्या आए, 10 आए। अब 6 में क्या प्लस करेंगे कि 10 आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये बिगर नंबर है, बिगर नंबर को ऊपर लिखेंगे, 6 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। 2 10 में से उसी तरह बिगर नंबर है, बिगर नंबर को ऊपर लेकर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। उसी तरह 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 5। देखिए 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 8 10, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 3 10। उसके बाद आ जाता है 22।
अब यहां पर 22 बिगर नंबर, अब ये बिगर नंबर से हमें इसको माइनस करेंगे, 22 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 12, इट मीन्स यहां पर 12 आ जाएगा। उसके बाद 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 20, यहां पर आ जाएगा 20। उसके बाद है 10, 10, 10 माइनस 10, यहां पर क्या आ जाएगा, 0, इट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, 0। 45, 45 माइनस 10, यहां पर क्या आ गया, 35, तो यहां पर आ जाएगा 35। इस तरह से बच्चों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और बच्चे गेम्स के थ्रू भी इसको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।